हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग हैं कक्षा 12th विषय शारीरिक शिक्षा, जो पिछले समय हमने आपको बताया था कि शारीरिक पुष्टि के बारे में बताया था बच्चों। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको जो है शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तथ्य हैं, उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जो कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर रखते हैं हम पहले पुष्टि भूमिका। भूमिका लिखने के बाद में जो आपको जो कुछ पॉइंट्स बनाते हैं हम कि शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे आयु। बच्चों, आयु का जो है बहुत प्रभाव पड़ता है जब शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करते हैं। जो आयु है वो सबसे मेन कारण है, क्योंकि एक आयु के आधार पर ही हम जो है अपने शरीर को जो है व्यायाम कर सकते हैं, गतिविधियां भाग ले सकते हैं। यदि आयु ज़्यादा है तो हमें जो व्यायाम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। जो 18 वर्ष से नीचे वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे, और जो 60 साल या 50-60 साल के बाद के जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा जो व्यायाम है, या कोई बीमार व्यक्ति है, ज़्यादा बीमार है, आयु ज़्यादा है, तो वो किसी को नहीं कर पाता है। तो उसके लिए भी एक कारक प्रभावित कर रहा है। फिर शारीरिक बनावट, देखिए कई बार क्या होता है शारीरिक बनावट भी किसी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करती है। कैसे? जैसे किसी की जो शरीर जो है दुबला पतला है, तो वह उसको जो बनावट है उसके आधार पर अच्छे से काम कर सकता है, बस सकते कि मोटा आदमी जो है ज़्यादा वजनदार व्यक्ति है वो उसको नहीं कर पाएगा। जो कि एक पतला दुबला पतला जो व्यक्ति है उस कार्य को आसानी से कर सकता है। फिर अगला पॉइंट जो है इसका वो है लिंग भेद। बेटे, हम जो हैं हिंदी में दो लिंग मानते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। तो इसके अंदर जो है लिंग भेद का क्या है? देखो बच्चों, जो लड़के हैं वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बलशाली होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका जो शरीर का जो बनावट है जो पहले पटपटी वो लड़कियों से अलग है। क्योंकि जो लड़कियाँ हैं वो इतना ज़्यादा वजन या इतनी ज़्यादा जो कठिन वर्क नहीं कर पाती हैं जितना कि लड़का आराम से कर सकता है, आसानी से कर सकता है। तो इसके आधार पर भी जो है व्यायामों को बांटा गया है, खेलों को बांटा गया है। खेल प्रक्रियाओं में जो भाग लेते हैं उनका जो समय होता है समय में प्रभावित किया जाता है, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनका जो खेल या समय कम होता है लड़कियों की अपेक्षा। तो इस प्रकार से जो है ये भी हमारी पुष्टि को प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ ऐसा समय होता है कि लड़कियाँ व्यायाम नहीं कर पाती, लड़के जो सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये लिंग भेद भी शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है। फिर है अच्छा आसन। आसन के तरह पोस्चर बोलते हैं इसको, एक बैठने का ढंग है उचित तरह से जो हम बैठते हैं उसे हम आसन कहते हैं। आसन जो है बैठने का तरीका है। तो ये भी जो अच्छा आसन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं ध्यान से, तो वह भी हमारे शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करता है। एक वातावरण, तो बेटा देखो वातावरण क्या है, हमें जो व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, खेल कूद में कोई भाग लेते हैं या किसी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, वो उसके लिए वातावरण शुद्ध होना चाहिए, वो खुले में होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, वो जो हमारे शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को प्रभावित न करे ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए। फिर अगला है उचित अनुकूलन। तो अनुकूल जो है वो क्या है, हमारे शरीर के अनुकूल। जैसे यदि हम सर्दी का मौसम है तो हम अंदर कर सकते हैं व्यायाम को, जैसे कोई तेज हवा है या बर्फीली जगह है या शरीर वहाँ पर कम निर्भर कर रहा है, तो वहाँ उसकी जगह व्यायाम करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए जो उसका अनुकूलन है बॉडी के अनुकूल होना चाहिए, हमारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। गर्मी में हम जो खुले में व्यायाम कर सकते हैं, और जो सर्दी का मौसम है उसके अंदर जो है हमें हल्के कपड़े शरीर पर रखने चाहिए और हमें ठंड से बचाव का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद में जो हमारा पॉइंट आता है संतुलित पौष्टिक आहार। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति है, जीव जंतु है, सबके लिए जो है भोजन की जरूरत होती है, हम भी भोजन लेते हैं। तो भोजन के कारण ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ कार्य करती हैं, और जो जिस प्रकार का कार्य करता है उसको उसी तरह का भोजन चाहिए। यदि आप जो है व्यायाम करते हैं,
कसरत का काम करते हैं, परिश्रम का ज्यादा काम करते हैं, तो हमें जो है शुद्ध भोजन ज्यादा डाइट लेना पड़ता है। जब हम कम काम करते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है जो कम भोजन ले सकते हैं, परंतु वो होना चाहिए संतुलित। तो ये इसमें लिखा गया संतुलित अपौष्टिक आहार। तो बेटे संतुलित आहार कौन सा भोजन होता है? वे भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व, जैसे पानी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आदि उचित मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट बनता है बेटा इसका खेलकूद। भाई खेलकूद भी जरूरी है, उछल कूद भी जरूरी है। जब तक बच्चे खेलकूद में भाग नहीं लेंगे, हमारा शरीर खेलकूद में नहीं लेगा, जब तक शरीर का विकास नहीं होगा। इसलिए जो है शरीर का जो पुष्टि करने के लिए, उसका विकास करने के लिए हमें खेलकूद में भी भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अगला है धूम्रपान न करना। देखो बेटे धुआं जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जगह जगह लिखा होता है धूम्रपान न करें। धूम्रपान जो है जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि की जो चीजें होती हैं उनको हानिकारक मानते हैं, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को, आंतरिक जो क्रियाएं हैं उनको बर्बाद करता है। जो एक अच्छा खिलाड़ी जो धूम्रपान करता है तो उसके जो कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है, उसको श्वास जल्दी आता है और वह अपने कार्य को सुचारू से नहीं करेगा, और उसका जो मस्तिष्क है वो भी डाइवर्ट हो जाता है धूम्रपान से। इसलिए हमें जो है शारीरिक पुष्टि को बनाए रखने के लिए धूम्रपान का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर व्यायाम और प्रशिक्षण। भाई व्यायाम और प्रशिक्षण जो है क्या है? ट्रेनिंग, अभ्यास। देखिए आप जितना भी अधिक से अधिक व्यायाम करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उतना ही हमारा शरीर जो है सुदृढ़ होगा और ज्यादा किसी कार्य को करने में सक्षम होगा। इसलिए हमें जरूरी है कि शरीर के लिए जो व्यायाम और प्रशिक्षण जरूर होना चाहिए, समय समय पर होना चाहिए और नियमितता का सिद्धांत होना चाहिए। उसमें जो है नियमित रूप से हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, तभी हम अपने शरीर की पुष्टि को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। फिर है जिंदादिली व मनोरंजन। बच्चों देखो क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करते हैं, लंबे लंबे समय तक करते हैं, तो हमारा जो शरीर है वह जो है निठल्ला हो जाता है, कार्य करने की जो क्षमता हो उसमें कमी आ जाती है। तो उसमें क्या करना है, हमें उस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मनोरंजन करना चाहिए। अर्थात मनोरंजन में खेल उद्वार भी हो जाता है, हल्के फुल्के हम गेम खेलते हैं, उछल कूद करते हैं तो उससे क्या होता है, और हम दौड़ते हैं, भाग लेते हैं, तो इस तरह क्या होता है जिंदगी भी बन जाती है, मिलता है और जो मनोरंजन भी हमारा हो जाता है। ये भी एक पुष्टि का घटक है जो प्रभावित करने वाला जो कारक है, हम कहते हैं इसको। तो तनाव व दबाव, हमें कोई भी कार्य जो है तनाव व दबाव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि तनाव व दबाव से जो है हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये प्रभावित होती हैं। तनाव के अंदर हम जो है किसी कार्य को इतने सुदृढ़ या अच्छा परिणाम नहीं आता उसका, इसलिए हमें तनाव व दबाव से बचना चाहिए, वो जरूरी है। तो बच्चों इसके अलावा जो अन्य कारक हैं जैसे वंशानुक्रमण आदि कारक। वंशानुक्रमण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, तो उससे क्या होगा कि भाई प्रभावित करता है, उसके अंदर जो जीन होते हैं, वे भी हमारे जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करता है। तो बच्चों मुझे विश्वास है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।